वेलकम टू दिस लेक्चर। आप इस लेक्चर्स में सीखेंगे कैसे पीरियोडिक टेबल को याद किया जाता है, ट्रिक से आपको जो जो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होता है पीरियोडिक टेबल को याद करने में, आज उस प्रॉब्लम को मैं दूर करने के लिए ट्रिक लगा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल को कैसे ट्रिक से याद करते हैं। पीरियोडिक टेबल का इस ब्लॉक वाला ग्रुप क्या कहता है, एल्कली मेटल्स और क्लाइन अर्थ मेटल। तो उसको कैसे याद करते हैं, तो उसको देखिए पहला लेते हैं हम इस फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। सेकेंड अब देखिए ये अल्कली मेटल होता है, ये वाला अल्कली मेटल होता है ये, और ये वाला अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। इसको बोलते हैं कलेक्टिवली एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। इसको बोलते हैं कलेक्टिवली एस ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक ब्लॉक। स्टार्ट होता है ये फर्स्ट पीरियड से, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, और ये होता है सिक्स्थ पीरियड, ये होता है सेवन्थ पीरियड। चलिए इसको याद करते हैं, है ली ना के रब से फरियाद, है ली ना, है ली ना के रब, है ली ना के रब से फरियाद। लिख देते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसको करके लिखेंगे यहाँ पर, है ली ना, है ली ना के, है ली ना के रब, है ली ना के रब से, है ली ना के रब से, ये होगा फरियाद, फरी। चलिए ये वाला ट्रिक लिख लीजिए इसका। अब इसका लिखते हैं ट्रिक, इसका होता है बेटा मांगे कार स्कूटर वापरांसी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसको ट्रिक से लिखते हैं बेटा, इसको वैसे क्या नाम होता है इसका, बेरियम मैग्नेशियम, बेरियम मैग्नेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो इसको बोलते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर, स्कूटर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब चलिए बात करते हैं, ये 16 याद हो गया। अब मूव करते हैं पी में, पी कहाँ से शुरू होता है, 13 ग्रुप से शुरू होता है और 18 ग्रुप तक अंत होता है उसके। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 और इसका होता है NS2, इसका होता है NS1, इसका होता है NS2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट पीरियड का N क्या होता है, पीरियड नंबर। फर्स्ट पीरियड का है 2S1, सेकेंड पीरियड का है 2, थर्ड पीरियड का है 3S1, फोर्थ का है 4S1, फिफ्थ का है 5S1। तो ये लिख देंगे आप, इसका भी सिमिलर ऐसे होगा। चलिए पी ब्लॉक की बात करते हैं, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट, एलिमेंट। अब पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, वो थर्टींथ ग्रुप है, थर्टींथ ग्रुप, थर्टींथ ग्रुप स्टार्ट होता है। इसको याद लिखते कैसे, इसको ट्रिक होता है, ये सेकंड पीरियड से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये होता है बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। देखिए आपको अगर इसको याद करना है तो आप, मैं इसको ट्रिक लिख दे दिया हूँ, आप इस ट्रिक को याद रख करें और 2-3 बार अपने कॉपी पर प्रैक्टिस किए लिख लिख कर, इससे आपको 2-3 बार बार अगर लिखेंगे तो उसके बाद आपको याद हो जाएगा। और अगर एक बार याद हो गया तो आप इतना आसानी से 2 मिनट में लिख दोगे कि आपको कोई डिफिकल्टी फील नहीं होगा। तो आप इस ट्रिक को याद करें जिससे आपको आसानी से पीरियड हमेशा के लिए आपका हो जाए। तो ये ट्रिक होता है बैंगन, बैंगन आलू, बैंगन आलू, गाजर, बैंगन, बैंगन आलू गाजर, इन, थैला, थैला। इसको याद करते हैं, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ।
जितने मैं लिख रहा हूँ उतने आपको नोट करना है, और इतने नेसेसरी एंड सफिशियंट है आपके लेवल तक, 12th लेवल तक, जेई के लेवल तक, कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, इससे बाहर कोई किसी भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, कोई भी एग्जाम हो, पूरी जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम में प्रियोटेबल आपका हर एग्जाम में आता है, तो ये सबके लिए प्रियोटेबल आप स्ट्रिक्ट के साथ बने रहें और दो तीन बार इसको अपने नोट करके लिखें। चलिए बात करते हैं 14th ग्रुप में, 14th ग्रुप को कैसे याद करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 और NS2 और NP1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 और NP1। और 14th ग्रुप को याद करने का ट्रिक होता है कहे सीता जी, इसको ट्रिक होता है कहे सीता जी सुनो प्रभु, इसको करते हैं कहे सीता जी सुनो प्रभु। अब इसके ट्रिक लिख देते हैं यहाँ पर, कहे सीता जी, कहे सीता जी सुनो प्रभु। ये हो गया आपका 14th ग्रुप का ट्रिक। अब चलिए बात करते हैं हम 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप, 18th ग्रुप, यहाँ तक आप नोट कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP2। ये नीट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप नोट करते जाइए। अब चलिए बात करते हैं हम 15th ग्रुप को याद करने के ट्रिक के बारे में। तो 15th ग्रुप के साथ चल होता है नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं 15th ग्रुप को, इसको याद करने का ट्रिक होता है नाना पार्टिकल ईश्वर या सब बिंदास। नाना ये सेकेंड पीरियड से शुरू होता है, सेकेंड पीरियड से शुरू होता है, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवेंथ पीरियड। अब इसको बोलते हैं नाना पार्टिकल ईश्वर या सब बिंदास, नाना पार्टिकल ईश्वर या सब बिंदास, नाना पार्टिकल ईश्वर या सब बिंदास। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक बिस्मथ SB और बिस्मथ, इसको बोलते हैं नाना नाना पार्टिकल पार्टिकल कर सब बिंदास दास बिंदास नाना नाना पार्टिकल सब नाना पार्टिकल ईश्वर्या, देखो यहाँ पर ईश्वर्या होगा, नाना पार्टिकल ईश्वर्या इस वर्या वर्या इस वर्या सब बिंदास नाना पार्टिकल ईश्वर्या सब बिंदास। नाना मतलब नाइट्रोजन, पार्टिकल मतलब फास्फोरस, ईश्वर्या मतलब एस, सब मतलब SB और बिंदास मतलब बिस्मथ। ये हो गया नाइट्रोजन फैमिली। अब 16th ग्रुप आता है, इसको ऑक्सीजन फैमिली बोलती है। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 और NP3। इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आप नोट को याद होना चाहिए। अब बात करते हैं 16th ग्रुप को कैसे याद करने का ट्रिक। 16th ग्रुप वो भी सेकंड पीरियड से शुरू होता है, इसको याद करते हैं ओस से टीपो, ओस से टीपो, ओस से टीपो, ओस से टीपो, ओ मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम, ओस से टीपो, ओस से ओस, ओ मतलब ऑक्सीजन, स मतलब सल्फर, से मतलब सेलेनियम, ओस से टीपो, ओस से टीपो। अब इसकी याद करने का ट्रिक है 17th ग्रुप, इसको याद करने का ट्रिक है फिर कल बाहर आई आंटी, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एयोडीन और एस्टेटीन, इसको याद करने का ट्रिक है फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, सेकेंड पीरियड से शुरू होता है, सेकेंड फोर्थ, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, फिर कल बाहर आई आंटी,
फिर कल बाहर आई आंटी, इसको 17th ग्रुप बोलते हैं। 18th ग्रुप को याद करने का ट्रिक है, 18th ग्रुप को याद करने का ट्रिक होता है, 18th ग्रुप को याद कैसे करते हैं, 18th ग्रुप को याद करने का ट्रिक है, ये क्या होता है, ये इसको बोलते हैं इनर्ट गैस। ठीक, ये अस्टेबल होता है। ठीक, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट, जीनोन पार्टिसिपेट करता है, जीनोन, लेकिन उसके अलावा और पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक, तो इसको याद करने का ट्रिक है, इसके रिएक्शन जब पी ब्लॉक में पढ़ेंगे डिटेल में तो उसके रिएक्शन पर बात करेंगे। तो अभी इसको ट्रिक याद कैसे करते हैं, देखिए, हीना हीना नीना और करीना के जीरोक्स रानी, इसको याद करने का ट्रिक है। हीना, ये स्टार्ट होता है हीलियम, फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट होता है, फर्स्ट पीरियड, हीना हीलियम नियॉन आयरन क्रिप्टन जेनॉन, हीलियम आयरन क्रिप्टन जेनॉन एंड रेडॉन, चार छे। ठीक, फर्स्ट हाइड्रोजन लिथियम, हाइड्रोजन क्या होता है फर्स्ट, और हीलियम सेकंड होता है। इसको इसका है हीना हीना नीना नीना हीना नीना और करीना करीना रानी, इसको याद करते हैं हीना नीना और करीना की जीरोक्स रानी, इसको याद कर रहे हैं। तो ये आपका प्री ब्लॉक हो गया, इसको आप नोट कीजिए, फिर उसके बाद डी ब्लॉक जो बच गया है उसको याद करने का ट्रिक बताते हैं। डी ब्लॉक की सीरीज होती है 3D सीरीज 4D सीरीज 5D सीरीज, तो वो सीरीज कैसे याद करते हैं उसको याद करने का ट्रिक बताता हूँ, और फिर उसके बाद पूरे पीरियड टेबल हम लिख देंगे। ठीक, तो चलिए इसको नोट कीजिए। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भूल गया था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका NH2 NP4, इसका होगा NH2 NP5, इसका होता है NH2 और NP6। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, या लिख लीजिए, फिर उसके बाद आप पढ़ कीजिए, नोट कीजिए लेक्चर को। तो चलिए, अभी तक हमने क्या सीखा, इस ब्लॉक को याद करने का सीखा, इस ब्लॉक एलिमेंट्स के कैसे याद करते हैं, और पी ब्लॉक के एलिमेंट कैसे याद करते हैं अभी तक सीखे। अब चलिए सीखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट कैसे याद करते हैं। डी ब्लॉक, देखिए डी ब्लॉक शुरू करता होता है 3D सीरीज इसको बोलते हैं, 4D सीरीज 4D सीरीज 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है फोर्थ पीरियड से शुरू होता है फोर्थ पीरियड फिफ्थ पीरियड सिक्स्थ पीरियड। ये आपके सिलेबस में कहीं जे एल हमको याद करना होता है 3D सीरीज 4D 5D सीरीज, जो एफ वाले हैं उसको हम याद नहीं करते हैं, और क्योंकि उसका यूज हमारे में नहीं होता, इसलिए इसके ट्रिक में बनाया हूँ और आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इसको याद करते हैं, अस्किन यहाँ से शुरू होता है, देखिए 1 से 2 क्या होता है, 1 और 2 एस होते हैं, और 13 से लेकर 18 तक पी वाले होते हैं, और बाकी बचे कितने, 3 से लेकर 12 यानी 10 जो एलिमेंट है वो क्या करते हैं, 3 से लेकर 12 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 से लेकर 12 तक इसको याद करते हैं। यहाँ से होता है अस्किन टाइम वाले, स्किन वाले क्रोमियम, स्किन टाइम वाले क्यों माने, स्किन टाइम वाले क्यों माने फिर कोई निकला अस्किनियम के टाइम राडियम क्रोमियम मैग्नीशियम उसको बाद निकल कॉपर जिंक। मैंने इसको ट्रिक कैसे बनाया आप लोगों के लिए, मैंने ट्रिक बनाया है कि अस्किन वाले क्यों माने
a skin tie स्किन मतलब स्कैंडियम, टाई मतलब टाइटेनियम, वाले मतलब वैनेडियम, क्यू मतलब क्रोमियम, इमेन माने मतलब मैग्नीशियम, स्किन टाई वाले क्यू माने, फिर पोई निकला निकला कोटा जानी। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D सीरीज का, इसका डी ब्लॉक का NH2 NH2 NP MS1 MS1 D1 से लेकर 10 तक। ठीक, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए ये लिख दिया, अब इसका 14th ग्रुप को कैसे लिखते हैं। 14th ग्रुप का याद करने का ट्रिक है, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटी राह पर अगर कोई। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये 4D सीरीज और 5D सीरीज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको याद करने के लिए आपको 4 या 5 बार कॉपी पर लिखना होगा और फिर उसके बाद ड्रॉ करना होगा, तो आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। फिर इसको याद करते हैं, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटी राह पर अगर एजीए कोई, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटे राह पर अगर कोई। ठीक, इस एजीएयू, अब इसको याद करते हैं, इसको भी लिख देते हैं 50 सीरीज या 6 होता है यहाँ पर, लेकिन मेरे याद स्पेस दे रहे हैं इसके टिक लिखने के लिए। ला हप्ता वरना रे ओसामा ईरान में पिट आऊंगा, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटे राह पर अगर कोई। जिकुने मेरियम टेक्नीशियम रूबिडियम पीडी एजी और एयू, और ये होता है एयू और एजी, ये होता है यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटे राह पर अगर कोई। ठीक, 2 4 6 8 9 यहाँ पर होता है, ए यू होता है, कॉपर हो गया, इसका टिक लिखते हैं, यारी यारी जरा जरा निभाना निभाना मौत मौत तक। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है 3D सीरीज याद करने के लिए, तो आपको प्रैक्टिस करना होता है। बेसिकली जो 3D सीरीज हमारी काम में आती है, यही ज़्यादातर काम आती है 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज तो बहुत कम आती है, इसलिए 3D सीरीज को आप रट जाइए। इसके ट्रिक से आप एकदम पूरी तरह से 2-3 बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो कैसे याद करते हैं, ये इसलिए ट्रिक मैंने आपको दिया है, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटे रुकावटे राह पढ़ अगर कोई सी यू। ठीक, अब यहाँ पर होता है ला हप ता वर ना रे। इसका ट्रिक बनाया हूँ खुद से, तो थोड़ा सा आपको लिखना होगा मेरे साथ, जिससे आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। ला ला ता वरना रे ओसामा 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 ईरान ईरान में पीट आऊंगा, राम देव जी गा।
हफ्ता और ना रे उसामा याद में पिटवाऊंगा। ठीक, तो ये आपको इसके सीरीज याद रखनी होती है। ठीक, जैसे जैसे आप ये सीरीज याद रखेंगे आपको ये 3D सीरीज पूरी आपको याद रहे। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा इसमें हम कुछ चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं। नोट कीजिए इसको।